एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हसायन में स्थित पिछोती गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर है। लगभग 1438 की आबादी व 1070 वोटरों द्वारा उर्मिला देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 400 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 90 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 27 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंपों को भी रिमोव कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसी टाइल्स रोड, खटंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 128 इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 आवास, 2 लोहिया आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, शमशान घाट, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान पिछोती पति बोल रहा हूँ, प्रधान पति बोल रहा हूँ। गाँव पिछोती है, तहसील गंगारा हुए, ब्लॉक हसान है, थाना हसान है, जिला हाथरस। मैंने अपने गांव में विकास कराया है। 128 शौचालय बनाए हैं, 1 लागत प्रधानमंत्री आवास है, 2 लोहिया आवास बनाए हुए हैं और नरेगा का काम कराया है। सड़क कच्ची नाली खुदवाई है और क्रीड़ा स्थल नाला की सफाई कराई है, गड्ढा पोखर खुदवाई है। मनरेगा के तहत ये काम हुआ है। खरंजा इंटरलॉकिंग कराई है, खरंजा भी एक गली खरंजा कराया है, बाद बाकी इंटरलॉकिंग कराई है, 3 रिवोर कराए हैं। आवास चाहिए हमको, प्रधानमंत्री आवास मिले हमको कम से कम 20, तो संतुष्ट होगा हमारा। भी नहीं है हमारे यहाँ बरात घर भी नहीं है हमारे यहाँ। हमारे ग्राम पंचायत पिछोती में पैसा कम आता है और पैसा अधिक आए तो अच्छा विकास होगा उसका। हमें ज़्यादा पैसा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा विकास करेंगे हम।